हाँ जी, सो एक एक करके मैं आप लोगों से पूछूंगा एंड आप लोग मुझे उसका आंसर दोगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर तरनीत। हाँ जी तरनीत, बताइए क्या आंसर है। सी पार्ट। सी पार्ट, ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, हाँ जी, बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट नोन एज कार्बन, ठीक है जी। सो सी पार्ट इज द करेक्ट वन। मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ, ये तो मैंने सॉल्यूशंस वाली फाइल खोल ली है, दूसरी फाइल मैं ओपन करता हूँ। सॉल्यूशन वाली फाइल्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? क्लास के लास्ट में मैं आपको सेंड कर दूंगा फाइल। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साना। साना क्वेश्चन नंबर टू। सर सी पार्ट। ओके, यू आर सेइंग सी पार्ट। सो जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ जी, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर, सो सी पार्ट इज द करेक्ट वन। कैसे पता चला आपको जाने कि ये अनसैचुरेटेड है? सर क्योंकि दे बिलोंग टू एल्कलाइन ग्रुप। दे बिलोंग टू विच ग्रुप? एल्कलीन ग्रुप। एल्कलीन ग्रुप तो कोई नहीं है, इट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कलीन खुद कोई कोई भी ग्रुप नहीं है। सो यू आर सेइंग एल्कीन ग्रुप है ये? ओके, एनीवन वुड लाइक टू करेक्ट सान्या कि ये कौन सा ग्रुप है? हाँ जी पारस। सर C4H6 सर एल्काइन है एंड जी C6H12 एल्कीन। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। देखिए जनरल फॉर्मूला हम सभी को पता है, CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। सो अगर हम फॉर्मूले से जाएं, C4H6, ठीक है, तो ये है एल्काइन, एंड C6H12 ये है एल्कीन। तो ठीक है जी, पारस का आंसर इज करेक्ट। द नेक्स्ट थिंग वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थ्री मान भी आपके लिए। सी ऑप्शन। ओके, यू आर सेइंग सी ऑप्शन। सो हाउ मेनी डी? दुबई। यस सर। ओके जी, फाइन। हाँ जी, एनीवन अगेंस्ट डी? नो, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12 इज हाउ मच? तो यहाँ पे लिखा है 16, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट हो कि ये कैसे आया 16? ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? यस ठीक है, पारस को डाउट है, हंसप्रीत को डाउट है, ठीक है, तनिष को भी डाउट है, ओके फाइन, मानवी को भी डाउट है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि ये कैसा हुआ। हाँ जी, सो वहां पे उन्होंने कहा है पेंटेन, ये है हमारे सामने पेंटेन, ठीक है? हमसे पूछा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक है, तो गिन लेते हैं कि ये कितने हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. ठीक है जी, ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। अब क्लियर है जिस जिसको डाउट था? ओके, ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये 16। यस सर। चलिए जी, ठीक है जी। सो तनिष, ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट नॉड। ठीक है, कि अगर आपको ठीक लगा तो यस, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, चलिए जी। सो दोबारा से अपनी एमसीक्यूज में चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर चिराग। हाँ जी चिराग, बताइए जी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर एमसीक्यू करेंगे। ओके, हाँ जी हंसप्रीत। सर कैटेनेशन। कैटेनेशन डी पार्ट। ओके, एनीवन अगेंस्ट डी पार्ट कैटेनेशन? हाँ जी ठीक है जी, इट इज करेक्ट, इट इज डी पार्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे मैंने बताया था सेल्फ लिंकिंग, ठीक है, ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, डी पार्ट। ठीक है जी, करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर मनव। हाँ जी मनव, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, सो मनव इज सेइंग सी पार्ट। सी पार्ट इज इट्स आंसर। सो एनीवन अगेंस्ट सी पार्ट? नो। एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ सी पार्ट कम्स एज आंसर? सीरियसली, किसी को नहीं पूछना, मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से कि ये सी पार्ट आंसर कैसे आया। आई वांट द लॉजिक। हाथ खड़े कर लो अगर किसी को नहीं पता तो। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट तो पहले ही खड़े कर लिया करो यार, धमकियां देनी पड़ेंगी पहले, है वार्निंग्स देनी पड़ेगी फिर आप लोग, पता होता है, यू नो आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, पता है मुझे किन क्वेश्चंस पे आप लोग अटकोगे और आप में से कितने किस क्वेश्चन पे अटकेंगे, पता होता है। जो जो नहीं अटकेंगे उनका भी पता होता है, ठीक है, और जो अटकेंगे उनका भी पता होता है। तो चलिए ठीक है, बता देता हूँ आप लोगों को, सिंपल सा इसका आंसर है कि ये हमें कैसे पता लगेगा। शायद मैं ज्यादा ऊपर आ गया। हाँ जी, सो ये है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा है, क्वेश्चन में आपको कहा है अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि ये साइक्लिक है, और मैंने कहा भी था कि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये तो यहां देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिंगल बॉन्ड्स की, तो ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और अगर मैं बात करता हूँ डबल बॉन्ड के बारे में, सो दिस वन इज अ डबल बॉन्ड, दिस वन इज अ डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज अ डबल बॉन्ड। सो एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा? क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है आप लोगों को कि ये बेंजीन है। ठीक है, इट इज C6H6। सो यही आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में आपने जो सी है उसको आपने चूज कर लेना है, है ना? क्लियर है? अब तो नहीं किसी को डाउट?
देख लो, अभी भी किसी को डाउट है पूछ लो, नो इश्यूज, एनीवन? नो? चलिए ठीक है जी. ओके, देन इसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए हु विल आंसर? इनायत, क्वेश्चन नंबर सिक्स. सर आता नहीं. आता नहीं है, ठीक है जी. हाँ जी, कितने हैं जिनको नहीं आता है? ऑलमोस्ट एवरीवन. ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम. बताते हैं आप लोगों को कि ये चीज कैसे होगी. सो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी व्हाइट बोर्ड की. यहाँ पे इन्होंने कहा है टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है जी, करेक्ट है. ओके, सो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है. ठीक है, ब्यूटेन तो चलो आप लोगों को पता चल जाएगा. अब जैसे ब्यूट है, इनायत, ब्यूट है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? सर फोर. फोर, यस, ठीक है. एंड एन भी लिखा हुआ है, यानी कि ये एल्केन होगा, यानी कि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ये ब्यूटेन है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फोर हैं, और यहाँ पे वी हैव सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन. ठीक है, बट हमें टू मिथाइल नहीं समझ में आ रहा कि ये जो टू मिथाइल चीज है ये क्या लिखी हुई है. ठीक है, सो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या होगा. टू मिथाइल ब्यूटेन, लेट मी जस्ट फिगर आउट कि मैं ये यहाँ पे कर पाऊंगा या नहीं. जस्ट अ मिनट, लेट मी सी कि मैं ये यहाँ पे कर पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं ये बुक में ही आपको करके दिखा दूं. चलो मैं तो आप लोगों को ना यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ये हो तो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस. सी 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 सी, ये तो हो गया फोर. ठीक है जी, देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक एच, एच देन ऐसे छोड़ रहा है, इसमें तो टाइम लगेगा. सिंपली आप लोगों को सी वन टू थ्री फोर यहाँ पे हमने लगा दिया एच, इधर एच, इधर एच, इधर भी एच है, देन यहाँ पे एच है, इधर एच है, ठीक है जी. सो ये तो हमने बना दिया है ब्यूटेन. ठीक है, ब्यूटेन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होगा, C4H10, है ना. अगर हम जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स लेते हैं विच इज CnH2n+2, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है हमें जो मिलेगा इट वुड बी C4H10. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास फोर कार्बन तो ये हो गए. ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, फोर कार्बन ऊपर है, फोर कार्बन नीचे है, एक हमारा लेफ्ट साइड में है, एक हमारा राइट हैंड साइड में है. तो फॉर्मूला कंप्लीट है, ब्यूटेन बन गया ये. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, कोई डाउट हो? चलिए, ये समझ में आ गया. अब बात करते हैं टू मिथाइल के बारे में. टू मिथाइल से भी पहले हम बात करते हैं मिथाइल के बारे में. मिथाइल क्या होता है? मिथाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है CH3 से, CH3 से, CH3.
इज मिथाइल. ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं टू पे. व्हाट इज टू हियर? टू इज के कौन से नंबर के कार्बन एटम के साथ ये मिथाइल अटैच्ड है. ओके, अब देखिए जब भी हम नंबरिंग की बात करते हैं ना, तो नंबरिंग अगर हम कभी भी करेंगे तो मोस्टली हम ऐसे करते हैं, जैसे दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, है ना, ऐसे करते हैं मोस्टली. लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो पीछे से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाते, राइट टू लेफ्ट जाते हैं. ओके, सो यहां पे हम नंबर्स कैसे देंगे? वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मिथाइल है ये हमें इस वाले कार्बन के साथ लगाना है. ठीक है, अब हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, हम ऊपर भी लगा सकते हैं, हम नीचे भी लगा सकते हैं. ठीक है, सो अभी जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं नीचे लगा दूंगा. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही लगाना है, हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, नीचे वाला जो H है इसको मैंने रिमूव किया. ठीक है, और मैं अब यहां पे लिख दूंगा, यहां पे आ जाएगा C. ठीक है, देन इसके इधर आ जाएगा H, वन, ये दूसरा H आ जाएगा इधर और तीसरा H आ जाएगा इधर. ओ सॉरी, H था, तीसरा H आ जाएगा इधर. ये हुआ आपका टू मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है, सबसे पहले तो टू क्यों है ये, क्योंकि ये सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच्ड है. मिथाइल क्यों लिखा है, क्योंकि CH3 टू के साथ कनेक्टेड है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये यहां पे आ गया. ब्यूटेन क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो चेन है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इट विल बी फोर. ठीक है, कभी भी जब हम चेन की बात करते हैं तो उस चेन में देखो, चेन बनेगी तो ऐसे बनेगी ना, या तो चेन ऐसे बनेगी, ठीक है, या फिर चेन ऐसे बनेगी. ठीक है, या फिर चेन ऐसे बनेगी. सॉरी, मैंने यहां पे हाइड्रोजन भी ले लिया, हाइड्रोजन नहीं लेना, ये यहां तक हो गया, है ना. सो ऐसे करके हमारी चेन बनेगी. अब जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो फोर की बन रही है ना, फोर से ज्यादा की तो लॉन्गेस्ट चेन बन नहीं रही, है ना. ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूं. देखो, पहला तरीका है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, फोर. ठीक है, देन दूसरा तरीका देख लेते हैं. दूसरा तरीका क्या है, ये हो गया. ठीक है, सो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए, थ्री हुए ना. ठीक है, ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट वे आउट इज दिस वन. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए, फोर. ठीक है जी, तो मैक्सिमम कितने बन रहे हैं, फोर ही बन रहे हैं ना, तो ब्यूटेन ही है. ओके, समझ में आया, अब समझ में आया. ठीक है जी, तो समझ में आया टू मिथाइल ब्यूटेन क्यों हुआ. टू इसलिए क्योंकि वो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच है. मिथाइल किस लिए, क्योंकि वहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, और ब्यूटेन क्यों, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फोर ही अटैच हो पा रहे हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं. ठीक है जी, क्लियर है. अब भी किसी को डाउट, देख लो, अभी किसी को डाउट है तो मुझे बताओ. हाँ जी, नायत बताओ.
तो सर जो ऐसे जैसे अगर चेन्स बनाएंगे तो इसमें जो लास्ट वाला सी होगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो मिथाइल का पार्ट है। लास्ट वाला सी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो मिथाइल वाला पार्ट है। किस चीज में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको? सर जो आपने ब्लू कलर से चेन सी बनाई है चार की। अच्छा नहीं, वो हमारी चॉइस है ना। देखो हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, अगर हमें ऐसे भी करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमें जो मैंने इससे पहले वाला जो पैटर्न है वो बनाया था वो ही बनाना है, ये भी वैलिड है। ओके सर, ठीक थैंक यू है? सर। हाँ जी, अब क्लियर है सबको? कोई डाउट? चलिए ठीक है। सो दोबारा से वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हाँ जी, सो क्वेश्चन था दी हाइड्रोकार्बन टू मिथाइल ब्यूटेन इज एन आइसोमर। अच्छा आइसोमर क्या होता है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो जरा। व्हाट इज आइसोमर? पढ़ाया हुआ है आप लोगों को? हाँ जी पारस बताइए आइसोमर। सर सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। यस, द कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, सो पूछा गया है कि ये जो हमारे पास दिया गया है टू मिथाइल ब्यूटेन, ये किसका आइसोमर होगा? ओके, सो ये हमारे को यहाँ पे बताना है। मेन क्वेश्चन इज दिस कि ये किसका आइसोमर होगा। हाँ जी, सो इसका जो आंसर है इनायत को तो खैर नहीं आता था। चलो, सो इसका आंसर इज एन पेंटेन। ठीक है, ए पार्ट इज इट्स आंसर कि ये एन पेंटेन का है। ठीक है, सो ये कैसे हुआ एन पेंटेन? अपने आपको एन पेंटेन कहाँ दिखाऊं? वेट फॉर अ मिनट, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में आपको ये कहीं दिया हुआ एन पेंटेन। एन पेंटेन का आपको यहाँ पे कहीं दिया नहीं हुआ, पर मुझे समझाने के लिए आपको वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, और उस पीडीएफ में एन पेंटेन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होंगे। ओके, सो उसी में से एक आइसोमर जो होगा वो टू मिथाइल ब्यूटेन होगा। ठीक है, वहां से देख लेना इस चीज को। ओके चलिए, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, आई थिंक हमारा टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, सो क्लास को हम पहले रीज्वाइन करते हैं एंड देन फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए।